नमस्कार दोस्तों, चौथे दिन भारत की बुरी तरह से हुई हार। आते ही सभी बल्लेबाज लौट गए पवेलियन। इंग्लैंड ने सीरीज में की बराबरी, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत हार की कगार पर खड़ा है। आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर धावा बोल दिया। तीसरे दिन के खेल से लग रहा था कि भारतीय टीम चौथे दिन अच्छा खेल दिखाकर इस मैच में वापसी करेगा, लेकिन चौथे दिन कुछ और ही देखने को मिला। आते ही चेतेश्वर पुजारा 91 रनों के स्कोर पर आउट हो गए और उनके दो तीन ओवर बाद विराट कोहली भी 55 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे विराट कोहली आउट हुए, अगले दो ओवर बाद अजिंक्य रहाणे भी चलते बने और अजिंक्य रहाणे के अगले ही ओवर में ऋषभ पंत भी पवेलियन लौट गए। रॉबिसन और एंडरसन ने आते ही कहर बरपा दिया। रॉबिसन ने अभी तक 5 विकेट ले लिए हैं और भारतीय टीम के 272 रनों पर 8 विकेट गिर चुके हैं। इंग्लैंड केवल जीत से 2 विकेट दूर है। भारतीय टीम इस मैच में बुरी तरह से हार चुकी है लगभग, और चौथे दिन कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाया। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम चौथे मैच में वापसी करके इंग्लैंड पर दबदबा बनाएगा या नहीं।